रानी शांभू की, यह खान पान छोड़कर जो तुमने हठ ठान रखा है वो कदापि पूर्ण नहीं होगा। उसे पूर्ण करवाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी पिताश्री। मेरी बात मान लो पुत्री, तारकासुर अब साधारण असुर नहीं रहा है, वो स्वर्गाधिपति बन चुका है। वो एक साधारण राक्षस पुत्री को अपनी पत्नी कदापि स्वीकार नहीं करेगा। अपना हठ त्याग दो पिताश्री। यदि आपने इसी प्रकार मुझे अपना प्रण त्यागने के लिए विवश किया तो मैं ये स्थान और आप सब लोगों को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चली जाऊंगी। मुझे विवश न करें पिताश्री। हम तुम्हें विवश नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता कर रहे हैं। स्वर्गाधिपति तारकासुर को तो ये पता तक नहीं चलेगा कि पृथ्वी लोक की एक साधारण राक्षस कन्या शांभुकी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने प्राण देने पर तुली हुई है। अपना हठ त्याग दो। पिता की बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। जो स्वर्ग का सुख और ऐश्वर्य का भोग कर रहा हो वो तुम्हारी चिंता क्यों करेगा शांभुकी? जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुख में ना ढकेलो। तुम्हारे कारण हम सब उद्विग्न हैं। मैं तारकासुर को अपने पति रूप में पाकर ही रहूंगी। दैत्य असुरों और राक्षसों की आराध्य देवी कराल कुंडला ने मुझे स्वप्न देकर कहा है कि तारकासुर ही मेरे पति बनेंगे और मैं उनके तीन शक्तिशाली महाबलशाली महाभयानक पुत्रों को जन्म दूंगी। और मेरे ये तीन पुत्र दैत्य जाति का नाम अमर करेंगे। शांभुक, तुम्हारी पुत्री तारकासुर के प्रेम में भ्रमित हो गई है। प्रेम का कोई उपचार नहीं होता, इसे अपना हठ पूरा कर लेने दो। हठ पूरा करने का अर्थ जानते हैं आप? भूख और प्यास से इसके प्राण निकल जाएंगे। किंतु जब ये किसी की बात को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है तो इनकी बात मान लेना ही उचित है। जो आप सबकी इच्छा। शांभुक, क्या यही राक्षसी कन्या शांभु की है जिसने मेरे पौत्र तारकासुर को पति बनाने का प्रण ठाना है? क्या आप असुर सम्राट स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही हैं? यदि ना होती तो शांभुकी को ढूंढती हुई यहाँ आने का कष्ट क्यों करती? प्रणाम पितामही। आप धन्य हैं दैत्य माता, आप धन्य हैं। मैं जानती थी कि पाताल की देवी कराल कुंडला की बात झूठी नहीं हो सकती। दैत्य माता, मेरी ये पुत्री कई दिनों से खान पान छोड़कर असुर सम्राट तारकासुर को अपने पति के रूप में पाने के लिए हट करके बैठी है। आप इसे कहिए कि हट छोड़ दे और भोजन करें। नहीं, कदापि नहीं। जब तक स्वयं असुरराज तारकासुर मुझसे विवाह नहीं करते मैं भोजन नहीं करूंगी, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। एक राक्षसी कन्या को इसी प्रकार हठी और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पुत्री शांभुकी, तुम्हारे भीतर तारकासुर की पत्नी होने की पूर्ण योग्यता है। मैं तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्षमा करें दैत्य माता, किंतु मुझे आपकी नहीं असुरराज तारकासुर की स्वीकृति की आवश्यकता है। निश्चिंत रहो शांभुकी, तुम्हारे इस उत्तर ने हमें और भी अधिक प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा मात्र से ही तुम्हें तारकासुर की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर शीघ्र यहां प्रकट हो और शांभुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। प्रकट हो तारकासुर, शीघ्र प्रकट हो। तारकासुर शीघ्र यहां प्रकट हो और शांभुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तारकासुर शीघ्र यहां प्रकट हो। तुम्हें शांभुकी को पत्नी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा की उपेक्षा मत करो, शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रकट हो और शांभुकी को अपनी पत्नी स्वीकार करो।
प्रकट हो तारकासुर। मेरे आवाहन की उपेक्षा मत करो पौत्र तारकासुर, पृथ्वीलोक पर प्रकट हो, प्रकट हो, और शांबुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर, प्रकट हो। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो। प्रकट हो तारकासुर, पृथ्वीलोक पर प्रकट हो, पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। शांबुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर, पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है, प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है। असुर राज स्वर्गाधिपति, आपको दैत्य माता दिति की पुकार का उत्तर तो देना ही चाहिए। तो भली भांति जानता है विकट असुर, स्वयंभू तारकासुर को किसी का परामर्श प्रिय नहीं। ले जाओ इस दुष्ट को और मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुछ ला दो। ले जाओ इसे। क्षमा असुर राज, क्षमा। क्षमा मांग मांग कर क्यों अपने मृत्यु को और भी अधिक भयानक बना रहा है? नहीं जानता क्या असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? मदिरा, मदिरा, मदिरा। स्वर्ग पर अधिकार अवश्य किया है किंतु हम असुर थे, असुर हैं और असुर ही रहेंगे। सभी कोई सुने, जो असुर देव संस्कृति को किसी भी रूप में स्वीकार करेगा उसे हम मृत्यु दंड अवश्य देंगे। क्षमा मांग मांग कर पुनः भूल करने वाले देवताओं और मनुष्यों से मुझे घृणा है। मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। स्वर्गाधिपति असुर राज तारकासुर की वरदानी महावीर असुर राज तारकासुर की। तारकासुर, क्या तुम स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य में इतना अधिक डूब गए हो कि तुम्हें अपनी पितामही की पुकार का उत्तर देना भी प्रिय नहीं? पितामही के पुकार का उत्तर देने से कहीं अधिक मुझे दोस्त नारद के भविष्यवाणी का भय है। असुर वीरो, तुम्हें नारद की बात पर कितना विश्वास है? स्वर्गाधिपति असुरराज जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारद आपको भ्रमित करने यहाँ आया था। नारद के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वो अपने चतुराई से सबको भ्रमित करता है, और यदि शिवपुत्र जन्मा भी होगा तो वो अभी बालक ही होगा, और एक बालक भला आप जैसे पराक्रमी महाबली को क्या परास्त करेगा? पुत्र तारकासुर, मैं तेरी माँ वरांगी तुझे आदेश देती हूँ कि शीघ्र पृथ्वीलोक पर प्रकट हो जाओ। अपनी पितामही की उपेक्षा ना करो, प्रकट हो तारकासुर। तारकासुर, असुर जाति का तारण करने वाले तारकासुर, अपने पितामही और माता की पुकार की उपेक्षा करके तू किस दुष्टता का परिचय दे रहा है? शुक्राचार्य, अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो। तुमने स्वर्ग में आने का साहस कैसे किया? तारकासुर, जब शिष्य पद भ्रष्ट हो जाता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वह उसका मार्गदर्शन करे। कौन गुरु, कौन शिष्य?
ना तो तुम मेरे गुरु हो ना ही मैं तुम्हारा शिष्य। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया है, किंतु यह मत भूलो कि तुम इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख खड़े हो। दैत्य गुरु? अरे दैत्य गुरु का पद तो बहुत सम्मान का पद होता है, और तुम तो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं हो शुक्राचार्य। हाँ तुम दैत्य शत्रु अवश्य हो। उत्तर दो शुक्राचार्य कि किस शत्रुता के कारण तुमने हमारे आदेश का पालन करते हुए असुरों का वध किया? उत्तर दो। तारकासुर, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बात याद रखो, यदि कोई असुर, दैत्य या राक्षस पाताल की परंपराओं के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे दंडित करना अवश्य हमारा कर्तव्य होगा। क्या यही कहने तुम यहां आए हो? नहीं तारकासुर, हम तो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण करवाने आए हैं। दैत्य माता दीति और तुम्हारी पितामही की पुकार सुनो और उत्तर दो तारकासुर। स्वयंभू, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हो? अर्थात? अर्थात ये कि तुम्हारे कार्य देखकर मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम दैत्यों के गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि दैत्यों का गुरु संदेशों को पहुंचाने का कार्य नहीं करता। यदि तुमने अपने कार्यों को ना सुधारा शुक्राचार्य, तो मुझे दैत्य गुरु के पद पर किसी और को प्रतिष्ठित करना होगा। तारकासुर, दैत्य गुरु का पद मुझे तुम्हारी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु हमारी इच्छा से। इसे जीना तो जा सकता है ना शुक्राचार्य? अपने गुरु का अपमान करके तुम भयंकर भूल कर रहे हो तारकासुर। स्वर नीचे नीचे शुक्राचार्य। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले तुम दैत्य गुरु तो अवश्य कहलाए जाते हो, किंतु स्वयंभू तारकासुर ने तुमसे दीक्षा प्राप्त नहीं की शुक्राचार्य, इसी कारण तुम हमें आदेशों की सीमाओं में बांधने का प्रयास ना करो। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया है। गुरु का अपमान करने वाला स्वयं भी पग पग पर अपमानित होता है, उसे कदापि सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तारकासुर, अपने अहंकार को त्याग दो और दैत्य माता दीति की पुकार सुनो और उनका उत्तर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर, तुम दैत्य माता दीति के स्वभाव से भली भांति परिचित हो, यदि तुमने उनकी पुकार का उत्तर नहीं दिया तो वो क्रोधित होकर तुम्हें शाप देंगी। गुरु को अपमानित करने के लिए तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, किंतु दैत्य माता दीति का शाप उस सर्वनाश को और भी निकट ले आएगा। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? मेरा स्वयं उतार का सर का? शुक्राचार्य, मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है,
वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश आकाश शुक्राचार्य आकाश गर्जना बंद कर देता है। ये तुम नहीं तारकासुर, सुख और ऐश्वर्या की मदिरा से उन्मत्त तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। शुक्राचार आचार कहलाते तो तुम आचार्य हो, किंतु आचार्य के योग्य तनिक भी ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते शुक्राचार्य, क्या अहंकार वही करता है जिसके अंदर अहंकार करने की योग्यता हो, और मुझ में वो योग्यता है। स्वर्गाधिपति तारकासुर ने इस स्वर को अपने बाहुबल से विजय किया है, क्या यही स्वयंभू तारकासुर के अहंकार का पर्याप्त कारण नहीं शुक्राचार्य? तारकासुर, तुम जिसे अहंकार कह रहे हो वो अहंकार नहीं, तुम्हारा काल है, जिसकी भूख तुम्हारा भोग लगाए बिना शांत नहीं होगी। शुक्राचार्य मूर्ख, शिव कृपा से भृगुपुत्र शुक्राचार्य का वध कोई नहीं कर सकता, यदि तुम प्रयास करके देखना चाहो तो देख सकते हो, किंतु तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारे अन्य दुष्कर्मों के साथ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण अवश्य बनेगा। पुकार है, यदि इसकी भी तूने उपेक्षा की तो तू मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा, तब शिव पुत्र को तेरा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शीघ्र मेरे सम्मुख प्रकट हो। स्वयंभू 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 प्रणाम दैत्य माता। यदि मैं तुझे अपने क्रोध का भय न दिखाती तो तू अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं होता। पता अपनी पितामही की उपेक्षा का कारण क्या है? स्वयंभू, पहले ये बताए पितामही, क्या आपने स्वर्गाधिपति असुर राज तारकासुर का असमय आह्वान क्यों किया? तुझे मुझसे पूछने का अधिकार नहीं है तारकासुर, तू मेरे पुत्र का पुत्र है, तू मेरी आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। तेरे ही कारण दैत्य जाति ने जो सम्मान प्राप्त किया है वो मेरी प्रेरणा का परिणाम है। दैत्य माता दीति की जय। दैत्य माता दीति की जय। अब पूछ मुझसे कि मैंने तुझे यहाँ आने के लिए विवश क्यों किया? क्यों? तुझे शाम्बुकी का पति बनाने के लिए। मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए इसी समय इससे विवाह कर ले। स्वयंभू, क्या हुआ तारकासुर? दैत्य माता, अब मैं पृथ्वी पाताल स्वर्ग इन तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट हूं, तो मैं इस साधारण राक्षस कन्या को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? दैत्य माता, मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरी सची से ही विवाह करूंगा। क्या तू नहीं जानता मूर्ख कि एक असुर का विवाह दैत्य असुर या राक्षस से ही होता है? मैंने तो सुना है कि तू स्वर्ग लोक में भी पाताल लोक की परंपराओं का पालन कर रहा है। स्त्री को स्वीकार करने में कहीं की परंपराएं बाधक नहीं होती दैत्य माता, आप स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। आपका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ और आप दैत्यों की माता बन गई। मुझे बताएं दैत्य माता कि किस परंपरा का पालन करते हुए एक ब्राह्मण की पत्नी दैत्यों की माता बन गई?
तू अपनी महान पिता मही का अपमान कर रहा है। सुनने का इच्छुक है तो सुन। दैत्यों की उत्पत्ति का कारण है तेरी पिता मही का देवताओं के विरुद्ध भयानक प्रतिशोध। देवता छलिया हैं। देवताओं की माता अदिति मेरी छोटी बहन, उसके दुर्व्यवहार ने मुझे आहत किया और दैत्यों को जन्म देने के लिए विवश किया। स्वयंभू दैत्य माता स्वर्ग महारानी सची के रूप और सौंदर्य ने तारकासुर को विवश कर दिया है। मैं यदि विवाह करूंगा तो केवल सची से करूंगा। सची इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी तारकासुर, यदि उसने तेरी शक्ति के सम्मुख विवश होकर तुझसे विवाह कर भी लिया तो वो सदा तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करती रहेगी। ना दैत्य माता ना, तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे क्या प्राप्त होगा? प्रतिशोध और षड्यंत्र की शक्ति से तू अपरिचित है तारकासुर। तू इन सब व्यर्थ बातों में अपना समय नष्ट ना कर। मेरी आज्ञा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा का सम्मान कर। शुक्राचार्य का नाम लेकर मुझे और अधिक क्रोधित ना करे दैत्य माता। वो दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। शत्रु उसने असुर सैनिकों का वध करने की भयानक भूल की है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का व्यर्थ में अपमान न कर तारकासुर। मेरी प्रार्थना से उन्होंने तुम्हारे दुष्ट असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर दिया है। असुर सैनिकों का वध करने की आवश्यकता ही क्या थी दैत्य माता? दुष्ट असुर सैनिकों ने तुम्हारे पितामही तुम्हारी माता और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर खड़क प्रहार करने का दुस्साहस किया था। यदि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको दंडित न किया होता तो वे मेरे क्रोध से खंडित हो जाते। तब क्या तू मुझे भी अपमानित करता? हाँ, मुझे भी अपमानित करता। स्वयंभू पुत्र तारकासुर, राक्षस कन्या शाम्बू की तेरे योग्य है। ये तुझे पति रूप में पाने के लिए कई दिनों से खान पान को त्याग कर कठोर अनशन कर रही है। अपनी माता व पितामही की इच्छा और शाम्बू की अभिलाषा को पूर्ण कर पुत्र। विश्वास है परांगी पुत्र तारकासुर अपनी माता की उपेक्षा नहीं कर सकता। पुत्र तारकासुर, यदि तू शाम्बू की से विवाह नहीं करेगा तो तू शक्तिशाली दैत्य पुत्रों का पिता नहीं बनेगा और तेरा वंश निर्मूल होकर रह जाएगा। निर्मूल पुत्र तारकासुर, यदि दैत्य जाति का गौरव अनंत काल तक इस प्रकार सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर जीवित रखने के इच्छुक हो तो तुम शाम्बू किसे विवाह कर लो। अपने निर्णय से अवगत करा तारकासुर। अपनी माता और पिता में की आज्ञा का पालन करना मेरा निर्धारित कर्तव्य है। मैं शाम्बू किसे विवाह की अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ।
पति असुरराज तारकासुर एवं असुर महारानी शांबुकी की जय। स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर एवं असुर महारानी शांबुकी की जय। दैत्य माता दिति माता वरांगी वरदानी तारकासुर महारानी शांबुकी की जय। दैत्य माता दिति और माता वरांगी के परामर्श पर तारकासुर ने शांबुकी से विवाह तो कर लिया, किंतु वह चिंतित था। उसकी चिंता का कारण था देवर्षि नारद का कथन। देवर्षि के कथनानुसार तारकासुर की मृत्यु के रूप में शिवपुत्र का जन्म हो गया है। चिंतित तारकासुर ने सत्य का पता लगाने के लिए एक अन्य उपाय सोचा और कैलाश समाधि स्थल पर अपने दो विश्वस्त असुरों को गुप्तचरी के लिए भेज दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवपुत्र, यहां तो कोई नहीं है। चलो उस और चलते हैं। हां, अध्यक्ष नंदी महाराज। गणाध्यक्ष नंदी, शिव ध्यान में लीन रहते हुए आप कैलाश की सुरक्षा के प्रति सतर्क नहीं रहते? क्षमा करे परमदेव, श्री महागणेश, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? यदि भूल न हुई होती तो हम ऐसा प्रश्न ही क्यों करते? मैं कुछ समझा नहीं परमदेव। शिव कृपा से संसार के हर रहस्य से आप परिचित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदी महाराज के कारण दुष्ट तारकासुर के अभियानों से अब कैलाश भी सुरक्षित नहीं। मुझे इस प्रकार प्रताड़ित ना करें परमदेव। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। नंदी महाराज, तारकासुर के दो असुर कंप अकंप कैलाश में
शिव गणों का रूप धारण करके सरलता से घूम रहे हैं। आप परम शक्ति संपन्न एवं शिवांश से जन्मे हैं। चकित न होकर उन्हें दंडित करें नंदी महाराज। जो आज्ञा परमदेव। ओम नमः शिवाय। अकंपासुर, उस नारद मुनि ने हमारे स्वामी को भ्रमित कर दिया है। अगर वो शिवपुत्र होता तो कैलाश पर दिखाई पड़ता। तुम सत्य कह रहे हो कंपासुर। हर एक को भ्रमित करना इन देवताओं का स्वभाव है। ये छलिया देवता हैं, अपने छल बल से विजय प्राप्त करते हैं। किंतु हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ये छल बल नीति राजनीति कुरीति सब व्यर्थ हो जाएगी। हमारी रक्षा कीजिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति तारकासुर की कृपा से हम जीवित बच गए अकम, अन्यथा ये शिवगण हमारे प्राण ही ले लेते। उसके प्रहारों ने हमें भयानक रूप से आहत किया है कम। उस दुष्ट नंदी के प्रहार अधिक भयानक थे। उसके प्रहारों की पीड़ा हमें युगों तक सहनी पड़ेगी। दैत्यों का कोई भी वैद्य हमारी इस पीड़ा से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। नारायण नारायण, तुम दोनों इतने अधिक आहत एवं उद्विग्न होकर कहां से चले आ रहे हो असुरों? अकम, यह वही नारद है जिसने हमारे स्वर्गाधिपति तारकासुर को भ्रमित किया था। हाँ, इसने ही शिवपुत्र के जन्म का असत्य समाचार दिया था। इसी दुष्ट के कारण शिवगणों ने हमारी ये दुर्दशा की है। नारायण नारायण, अच्छा 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 अच्छा, तो आपकी ये दुर्दशा शिव गणों ने की है, आप उन्हीं के द्वारा आहत एवं उद्विग्न होकर यहाँ आ रहे हैं। अब जब जब वायु देवता पूर्व की ओर से बहेंगे तब तब आपके घाव आपको शिव गणों का स्मरण करवाते रहेंगे। नारायण नारायण नारायण, क्या हो, माफ कर दो इसे। नारायण नारायण, तुम असुर दुष्ट एवं हठी दोनों ही होते हो। शिव गणों के प्रहार से भी संतुष्ट नहीं हुए तुम? अरे तुम थककर पृथ्वी लोक पर गिर ही क्यों ना जाओ, तब भी तुम नारद को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो मूर्खो? तुमने हमारे स्वामी से सत्य क्यों कहा कि शिव पुत्र जन्म ले चुका है? नारायण नारायण, शिव पुत्र हमें कैलाश में नहीं मिला और तुम्हारी दुष्टता के कारण हमें शिव गणों से पिटना पड़ा। नारायण नारायण, तुम दुष्ट और हटी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी
स्वर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिव पुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिव पुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे यह कब कहा था कि शिव पुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिव पुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अगम, क्यों ना हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूरी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, इनका मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, मार्गदर्शन करें इन असुरों का। हे श्री महागणेश, इन असुरों को ज्ञान दें, ज्ञान दें प्रभु, ज्ञान दें।